साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज अपन एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। पिछला हालांकि मैंने एक टॉपिक पे वीडियो डाला था जो विदेश भेजने से रिलेटेड था, जो ठगी के मैटर में था। आप भाइयों ने उसको देखा, शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, आज अपन बात करने जा रहे हैं साथियों, ख़ास तौर से जो अपने भाई हैं जो विदेश जाने की सोचते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन एक आजकल के एक ट्रेड बन गया ये कि लोग, पहले तो हमारे, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में लोग गल्फ में इंटरेस्टेड थे, गल्फ जाते थे। गल्फ का मतलब दुबई, कतर, मस्कत, ईरान, इराक, कुवैत वगैरह। आजकल लोगों का ट्रेड इधर कम हो रहा है, रुझान कम हो रहा है। इसका रीज़न ये कि इधर पगार कम मिलती है, दूसरी बात कंस्ट्रक्शन लाइन का इसमें काम होता है, तो आजकल जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है वो इसमें इंटरेस्टेड कम होता है, तो वो फिर सोचता है, बड़े बड़े सपने लेता है। फिर बात करते हैं कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अपने अफ्रीका, साउथ कोरिया, इन कंट्रियों की बात करते हैं, तो ऐसी कंट्रियों के पेपर में ऐड चलते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो इस पर बनाया था, लेकिन उसमें पूरी बातें मैंने क्लियर नहीं की, तो मैं सोचा चलो नेक्स्ट वीडियो अपन इसमें डाल देते हैं, ठीक है भाई। इसमें रीज़न ये है कि अब मेरे पास ये ऐसे मेरे पास मेटर आते हैं कहीं ना कहीं, किधर किधर, क्योंकि इस लाइन से मैं जुड़ गया, मुझे नॉलेज हो गया, इसलिए लोग मुझे चला के फ़ोन करते हैं। दूसरी बात, सेकंड बात ये कि मेरे पास, मेरे मोबाइल में, मैं आपको दिखाऊंगा, लगभग 15,000 कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे मोबाइल में, ठीक है साथियों। कोई ना कहीं ना कहीं किधर से जुड़ जाता है, तो ये बातें मुझे पता चलती रहती है। तो साथियों होता क्या है कि अब कनाडा के नाम से लोग बोलते हैं, एक भाई का कोटा से फ़ोन आया था मेरे को आज से 4 दिन पहले, तो उसने बोला सर जी मैं कनाडा के नाम से चंडीगढ़ गया था, वहाँ से मेरे को 1.5 लाख में मेरी बात हुई, 50,000 रुपये मैंने जमा करवा दिए, 8 महीने हो गए, 6 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। तो साथियों क्या कनाडा 1.5 लाख में बंदा पहुँच जाता है? अब वो बात कर, वो रुद्राक्ष ग्रुप की बात है, लोग तो वीडियो में नाम नहीं लेते, मैं नाम लेता हूँ, रुद्राक्ष ग्रुप चंडीगढ़ मोहाली में सबसे बड़ा ठगी का अड्डा है। मेरे पास कम से कम 150+ लोगों की लिस्ट है जो रुद्राक्ष ने वहाँ उन लोगों को ठगा है। अब कनाडा वाला जो अपना कोटा वाला बंदा बोला सर जी मैंने बैंक से लोन लेके उनको 50,000 रुपये दिए, अभी भी मेरी EMI चल रही है, अब मैं क्या करूँ? अब वो बोलते हैं 1,00,000 रुपये और दो, मेरे पास पैसा नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं बोला भाई गलती उनकी थोड़ी है, मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जो ऑल इंडिया लेवल का फर्जी एजेंटों का बारे में पर्दाफाश ऐसा कुछ उसका है, उनका जो एजेंट फर्जीवाड़ा करते हैं उनको रोकने का उनका एक मुहिम चलाई हुई है उन्होंने, उसमें मैं जुड़ा हूँ। तो उस भाई, एक भाई ने पंजाब से एक मैसेज किया था कनाडा के नाम से, तो उस भाई ने कनाडा का विजिट वीज़ा का 23,00,000 रुपये मांगे उसने। यदि कोई सिंगल पर्सन विजिट बंदा कनाडा जाना चाहता है विजिट पे और वहाँ जाके वो सेटल हो, कुछ भी हो, आफ्टर रीच 23,00,000 रुपये। आप सोचो कि लोगों को बेवकूफ़, कितना भयंकर तरीके से, कितना बड़े लेवल पे बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आप हमें 1.5 लाख दो, आप हमें 1,00,000 रुपये दो, आपको हम कनाडा भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे। जब से 1,00,000 रुपये सिंगल लगभग उससे प्लस की तो टिकट होती है कनाडा की, लेकिन वो लोग, लेकिन उनको पता है ना कि अपने को भेजना थोड़ी है, उनका काम तो ठगने का है, तो वो ठगते हैं, ठीक है साथियों। कनाडा के नाम से मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के नाम से 1,00,000-1.5 लाख में लोग ठग लेते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया मैंने जो इंक्वायरी की 11,00,000 रुपये लगते हैं विजिट वीज़ा के, अगर कोई विजिट में जाना चाहता ऑस्ट्रेलिया 11,00,000 रुपये लगते हैं। इटली की बात करें, इटली में साथियों मेरा एक रिश्तेदार का कोई लड़का है, इटली गया था आज से 2 साल पहले, उसने केस 12,00,000 रुपये इंडिया में भरे, केस 12,00,000 रुपये इंडिया में भरे तब वो पहुँचा है, लेकिन उसका काम लीगल था, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी अपन मलेशिया की बात कर लें, ये मलेशिया का सिस्टम है, मलेशिया में विजिट वीज़ा के नाम से लोगों को ठगा जाता है, 1.5 लाख-2 लाख रुपये ले लिए जाते हैं, जबकि खर्चा कितना होता है विजिट वीज़ा का, सोचने की बात है ना, ये तो सबको पता ही है। सिंगापुर का देख लो, सिंगापुर के नाम से लोग खूब ठगते हैं। मेरा टारगेट साथियों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं इन चीज़ों में घुस गया, मैं ठोकर खाई है मैंने, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो मैंने तो नुकसान उठा लिया, लेकिन मेरे जो भाई हैं, क्योंकि मेरे रोकने से तो सिस्टम रुकेगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जो आदमी इसमें इंटरेस्टेड है वो कम से कम इस सिस्टम दलदल में जाने से तो बच सके, ठीक है साथियों। अब मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ, मेरा वीडियो शेयर कीजिए आप, ताकि आप कम से कम एक मुहिम बना लो यार, कि आपके ग्रुप में कम से कम आज के टाइम में व्हाट्सएप में 500-700 नंबर आराम से होते हैं, अपन एक सोच लें कि चलो यार ये अच्छा काम है, अपन ये कर लेते हैं। अब अगर आप 100 लोगों को भी मैसेज करते हो, उसमें से 10 लोग भी पहुंचते हैं,
मेरे मोबाइल में साथियों 7000 व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है, 7000, और मैं कोशिश ये करता हूँ सबके पास वो मैसेज सेंड करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप 10-10 लोगों के पास भी भेजते हो तो कितने लोगों के पास पहुंच जाता है, लाखों लोग एक दिन में देख लेते हैं वीडियो को। जो वीडियो देख लेगा वो कम से कम सचेत तो रहेगा कि यार ये बात अपन ने वहीं सुनी है, तो कहीं अपने साथ घटित ना हो जाए, ठीक है साथियों। तो आप मेरा वीडियो देखने के बाद शेयर कर कीजिए उसको, ताकि कोई भाई अगर खड्डे में गिर रहा तो उसको अपन बचा सके, ठीक है साथियों। और लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ताकि मेरे ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मैं कोशिश करूंगा कि बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे आप भाइयों के साथ मैं वीडियो शेयर करता रहूं, ताकि जो हो गया पीछे हो गया, लेकिन आगे तो कम से कम अपन बचे, ठीक है साथियों। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथियों कमेंट जरूर करें। अच्छा एक बात मैं कहना भूल गया, अगर कोई भाई के साथ ऐसा कोई फर्जीवाड़ा फ्रॉड हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर वो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करके उनकी हेल्प करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।